उत्तर प्रदेश के कासगंज के सहावर में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी मची हुई है। बीती रात बदमाशों ने एक मकान में डाका डाला। इसी दरमियान बदमाशों ने परिवार के 3 लोगों की हत्या भी कर दी, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बदमाश डाका डालने के दौरान लाखों रुपए की नकदी जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह हुई तो गुस्साए लोगों ने तीनों लोगों के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम के दौरान भीड़ और पुलिस फोर्स में टकराव पैदा हो गया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घटना को कवर कर रहे एक पत्रकार के साथ भीड़ ने हाथापाई भी की है। डकैती और 3 हत्याओं की यह घटना सहावर के अवंतीबाई नगर की है। रेलवे स्टेशन के सामने अवंतीबाई नगर में बदमाशों ने बीते गुरुवार की रात बलवंत सिंह के घर धावा बोला। इस दौरान बदमाशों ने घर में चारपाई पर सो रही चंपा देवी, माया देवी और रामदास को चारपाई पर रस्सियों से ही बांध दिया। इसके बाद तीनों पर ताबड़तोड़ सरिया से बार कर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। बदमाशों की मारपीट की आवाज़ सुनकर जागे अजय और उनकी बहन आरती को भी बदमाशों ने जमकर पीटा, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बदमाश मकान में रखी नकदी और जेवरात समेटकर भाग गए। घटना की जानकारी सुबह लोगों को हुई तो उन्होंने गुस्से में रोड पर सब रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। अब मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं। सर पी जा रहे हो।